नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं PFI बैन के विषय में। PFI को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है और मुझे काफ़ी पहले ही इस बात की जानकारी थी और कुछ दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने अपने थंबनेल पर अपने वीडियो में स्पष्ट बोला था कि PFI के ऊपर बैन लग चुका है। हालांकि उस समय पर नहीं लगा था, अब लगा है। लेकिन PFI के ऊपर बैन लगने से क्या हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को, हिंदुओं को खुश होना चाहिए? क्या सरकार को अब हाथ पर हाथ धर करके बैठ जाना चाहिए, या जो लोग पकड़े गए हैं उन पर कार्रवाई करने के बाद में अब उनको शांति का दान देना चाहिए? इन सब विषयों पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि चल रहे हैं, तो इन नवरात्रि में आपको 12 ज्योतिर्लिंग का जो MDF मॉडल है उस पर 400 रुपए की छूट, यानी 1100 रुपए में घर बैठे फ्री डिलीवरी के साथ मिलेगा। और इसी प्रकार से केदारनाथ मंदिर मॉडल भी मिलेगा। 80 रुपए जो अभी तक आपसे डिलीवरी चार्ज लिए जाते थे वो कोई भी चार्ज नहीं ले जाएंगे। आप 10 रुपए की बुक भी अगर यहाँ से ऑर्डर करेंगे तो कोई डिलीवरी चार्ज इन नवरात्रों के दौरान नहीं लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है वो सिमी का बदला हुआ स्वरूप है। और सिमी एक आतंकवादी संगठन था जो कि भारतीय मुसलमान युवकों को यहाँ से हज के नाम पर जा करके वहाँ से आतंकवादी ट्रेनिंग दिलाता था। हज के नाम पर जो यहाँ से 40 दिन के लिए जाते हैं, उसके बीच में कोई हफ्ते 2 हफ्ते का स्लॉट निकाल करके वहीं से वो पाकिस्तान ले जा करके लोगों को पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग दिला करके वापस फिर हज के स्थान पर छोड़ करके वापस इंडिया में भिजवाया करता था। और उस दौरान भारत में बहुत सारे बम धमाके हुए भी थे। उसी का बदला हुआ स्वरूप PFI था। और आपने PFI के ऊपर अगर बैन लगा दिया है और उससे 2-4 चंद चीटी मकोड़ों को पकड़ भी लिया है, तो जो बाकी का हरा टिड्डी दल, जो जालीदार कौम के लोग हैं, वो इसका नाम बदल लेंगे। आप बेनाम से इसमें कुछ भी काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्लीपर सेल्स पर बनी हुई बहुत सारी जो फिल्में हैं वो देखनी चाहिए, किस प्रकार से बिना किसी नाम के भी आतंकवादी संगठन अपना काम बदस्तूर जारी रखते हैं। और इसकी ट्रेनिंग 1400 साल पहले कैप्टन मोमो साहब ने इनको दे दी थी। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि जो PFI है उसने अपना संगठन को इतना मजबूत बनाया कैसे है। अगर हम देखें 30,000 से ज़्यादा लोग PFI से जुड़े हुए हैं जो गल्फ कंट्रीज़ में काम करते हैं, यानी कि जो कि इन्हीं की अशांति दूत कौम से संबंधित हैं। ये सारे के सारे लोग वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ से तकरीबन 200 दिरहम प्रति महीना अपने संगठन के लिए अन्य अकाउंट्स में भेज करके जमा करते हैं। यानी कि इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इन लोगों का जो आंकड़ा बनता है वो तकरीबन 6.60 करोड़ भारतीय रुपयों का PFI को प्रति महीना फंडिंग होती है। ये वो फंडिंग है जो डायरेक्ट जांच में आई है। इसके अलावा मदरसाओं के अंदर, इसके अलावा जो बोर्ड्स बने हुए हैं, वक्फ आदि जो बोर्ड है उनके, और जो इनका पब्लिकेशन है उसके द्वारा भी इनको कई करोड़ रुपए की इनकम होती है। आप ये सोचिए कि इनके पास में तकरीबन मान करके चलिए महीने का 8-10 करोड़ रुपए का जो इनकम होती है। और उसके साथ और उसके बाद में क्या करते हैं? उसके साथ और बाद में ये करते हैं कि ये हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, हिंदूवादी नेताओं को टारगेट करते हैं, उनकी हत्याएं करते हैं। सीरिया, लेबनान और इराक जैसे स्थानों पर भारतीय जो युवा मुसलमान हैं उनकी भर्ती करवाते हैं और उसके नाम पर भी वहाँ से काफ़ी पैसा लेते हैं। भारतवर्ष के अंदर भी बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों का निर्माण करना, उनको फीड देना, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या तलक का प्लान बनाना, ये इस सारे के सारे पैसे से प्लान करते हैं। अब आप जरा सोचिए कि 30,000 लोग 200 दिरहम प्रति महीना दे करके 6.6 करोड़ रुपए केवल बाहर से डोनेशन के माध्यम से इकट्ठा कर देते हैं। यदि एक अंकुर आर्य इस लड़ाई में एक छोटी सी भूमिका, गिलहरी प्रयास करने की बात करता है, और वो आपसे ये भी नहीं कहता है कि आप डोनेशन, मुझे डायरेक्ट डोनेशन दो। हालांकि कोरोना काल में लोगों ने कई लाख और करोड़ रुपए भी डोनेशन के नाम पर इकट्ठा किए हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूँ कि भैया, अपना जो वैदिक धर्म ग्रंथ है, अपना इतिहास है, उसको पढ़ो और इस दिमाग के अंदर उसको उतारो, ताकि आप अपने इतिहास को सही से जान सको। क्योंकि जो इतिहास को नहीं जानता वो स्वयं इतिहास की धूल में मिल जाता है। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो मेरी आलोचना करते हैं, उनकी आलोचना मेरे सिर माथे पर है, लेकिन मैं आपसे ये अपील बार बार करता रहूँगा कि सनातन हाट पर जाइए, अपना उपयोगी ग्रंथ वहाँ से अवश्य खरीदिए। क्योंकि इन जिहादियों की जो असलियत है उसको आप जब तक नहीं जानेंगे, नहीं पढ़ेंगे, दुश्मन को जब तक हम नहीं पहचानेंगे, जो भारत का दुश्मन, जो संस्कृति का दुश्मन, जो विश्व का दुश्मन, इटली के जो नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री हैं उन्होंने क्या कहा है, हम कोई नई मस्जिद नहीं बनने देंगे। यहाँ पर कोई भी उलेमा जो बनेगा वो हमें पता होना चाहिए कौन बन रहा है, और जो भी प्रेयर्स होंगी वो हमारी भाषा में होंगी, उनकी भाषाओं में नहीं होंगी, और हम पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे। यही नहीं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने कहा एक भी मुस्लिम व्यक्ति को हम यहाँ अपने देश में शरण नहीं देंगे। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने इस्लामिस्टों को पूरी तरीके से बैन किया हुआ है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिस दंश को झेल रहे हैं, और बहुत सारे तो ऐसे भी लोग हैं, मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कि किस प्रकार से सुअर की चर्बी में भिगो करके गोली मारी जाती है ताकि उनको जन्मदाता ना हो। तो भारतवर्ष में जिस प्रकार से लगातार यह ड्रामा क्रिएट हो रहा है, सीमे से पीएफआई, वहां से एसडीएफआई, वहां से सीआईएफआई, वहां से कुछ अलाना फलाना ढिमकाना या बेनाम से, यह जो कार्य इनका 1400 वर्षों से चल रहा है यह बदस्तूर जारी रहेगा, और जब तक भारत के ये टुकड़े नहीं कर देंगे तब तक ये जारी रखेंगे। इस वजह से जो लोग जश्न मना रहे हैं, जो हिंदुवादी लोग इस पर बड़ी तालियां पीट रहे हैं, वो कृपया इस बात का संज्ञान अवश्य लें कि इससे पहले भी सिमी का अंत किया गया था, इससे पहले भी इंडियन मुजाहिदीनों का बहुत बार अंत किया जा चुका है, बहुत सारे कश्मीरी संगठनों का अंत किया जा चुका है, लेकिन आखिरकार हुआ क्या? जो कश्मीर की पत्थरबाजी थी वो पूरे भारतवर्ष में उतर करके आ चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी के अंदर पत्थरबाजियां, आगजनियां हुई हैं। राष्ट्रीय राजधानी के अंदर फिलिस्तीन मॉडल पर आकर के हिंदुओं के ऊपर हमले और आक्रमण हुए हैं। फिलिस्तीन और सीरिया और इराक के मॉडल पर आकर के हिंदुओं के गले रेते गए हैं और उनको बिहेड करके वहाँ से नारा ए तकबीर, अल्लाह अकबर की नारेबाजियाँ हुई हैं। तालिबान की तर्ज पर भारत के अंदर भारतीय मुस्लिम लड़कियों, महिलाओं को एक ताबूत में ढकने, यानी कि हिजाब और बुर्के में ढकने का जो प्रयास है वो जोरों शोरों पर आज भी जारी है। पीएफआई एक संगठन, नाम मात्र केवल एक पर्चे पर लिखा हुआ पीएफआई नहीं है, ये एक विचारधारा है जो हिंदुस्तान के अंदर तालिबान को स्थापित करने, पाकिस्तानी हुकूमत को वापस से यहाँ पर लाने, गजवाए हिंद करने का जो अपना मिशन है वो उठा चुका है। यदि आपके सिर से बाप का साया उठ जाए तो क्या आप अपने खेत में खेती करना छोड़ देंगे, भूल जाएंगे? क्या आप सुबह शाम का जो भोजन करते थे वो भूल जाएंगे, या आप जो प्रार्थनाएं करते थे वो भूल जाएंगे? कभी भी नहीं। यदि आपके पास में अपनी पैतृक जमीन के कागज भी नहीं है, यदि आप वहां पर रह रहे हैं तो भी आपका पूरा पूरा हक बनता है। एक जहनियत, एक माइंड सेट आपका बन जाता है कि आपको वहां पर वो काम करना ही है। और अगर आपको ये पता लग गया है कि सामने वाले या बराबर वाले की जमीन के ऊपर मुझे कब्जा करना है, तो वो जहनियत आपको आपके पिता का साया उठने या ज़मीन के कागज़ समाप्त हो जाने, जल जाने के बाद में इस जहनियत से हटा नहीं सकता है। पीएफआई हो या पूरे की पूरी आतंकवादी कौम या हरे टिड्डे जालीदार या दीमक कौम जो है, ये नमक हराम गद्दार जो लोग हैं, ये लोग क्या इस चीज़ से बाज आ जाएंगे? आप लोगों को इस बात पर विचार करना पड़ेगा। आप लोगों को इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि भारत की सीमाओं पर कई सौ वर्षों तक जूझने वाली इस कौम को जब हमारे राजाओं और महाराजाओं ने छठी का दूध याद दिलाया, जब इनको बॉर्डर्स पर ही मार काट करके फेंक दिया, तो क्या वहाँ पर रुक गए थे? 1400 साल में इन्होंने सैकड़ों वर्षों तक इस लड़ाई को लड़ा है और अब आकर के यहाँ आपके पड़ोस में आकर के बसे हैं। मजाक की बात नहीं है दोस्तों। बहुत सारे मीमवादी जो हैं वो भीमवादियों की ओर लेते हैं और भीमवादी मीमवादियों की ओर लेते हैं। वो जो कहते हैं कि हम तो बौद्धिस्ट हैं, लेकिन उसी बौद्ध मत का सबसे ज़्यादा प्रचार और प्रसार करने वाले, इस बात पर मुझे हंसी आती है और थोड़ी चिंता भी होती है कि सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं उनके ऊपर भी हरी चादर का घूंघट डाल करके या हिजाब डाल करके मोमिनों ने उसके भी मजार बना दी है। और मजाल है कि किसी भी तथाकथित बौद्धिस्ट की कि वो उसके ऊपर संज्ञान ले ले। इस प्रकार से आपके मंदिरों, आपके मठों, आपके जो देवस्थान हैं या जो फिर आपके शिलालेख हैं उनके ऊपर चढ़ करके सुबह, दोपहर, शाम, रात मुर्गे की तरह बांग देने का ये जो कार्य अब वो कर रहे हैं, जिस सेफ जोन में है, एक सेक्युलर कंट्री के अंदर जो उनको फंडिंग हो रही है, यहाँ का सेक्युलर संविधान जो उनको सपोर्ट कर रहा है, और उनको फलित होने में जो अपना पूरा दान, पूरा पैसा लगा रहा है, मंदिर का पूरा फंडिंग जो है वो मदरसाओं के लिए, मस्जिदों के लिए, मौलानाओं के लिए, मोमिनों के लिए, हलालाओं के लिए और लव जिहाद के लिए जो पानी की तरह जो बहाया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि एक कागज के टुकड़े पर अगर पीएफआई को कैंसिल कर दिया गया तो क्या मोमिन जिहाद करना छोड़ देगा? क्या मोमिन अपनी उम्मा के लिए जो उसकी श्रद्धा है, जो उसकी भक्ति है, जो उसकी लीनता है, क्या वो उसको छोड़ देगा? बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कागज के टुकड़े पर दस्तखत नहीं हुए तो तारा क्या पाकिस्तान नहीं गया था? गया था। उसी जिद के साथ में, जिस जिद के साथ में 1400 साल पहले कैप्टन मोमो साहब ने इस जिहाद को खड़ा किया था, वो जिहाद आज हर एक उस व्यक्ति के दिल के अंदर है जिसके नाम के सामने पहले कैप्टन मोमो साहब का सरनेम लगता है। वो उनकी सुन्नत को अपने दिल, अपने दिमाग, अपने जहन, अपने रोम रोम, अपने ब्लड के, रक्त के कतरे कतरे में जिंदा पाता है। इसलिए आपको खुश होने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ से आने वाला पैसा नहीं रुकेगा, यहाँ पर जो फंडिंग हो रही है वो नहीं रुकेगी। उनके लोग जो आपसे कारोबार लेते हैं, आपसे काम लेते हैं, आपको फल सब्जी लोहा टीन टप्पड़ बेच करके कमाते हैं, उसका 2.5% वहाँ पर जाता रहेगा। और ये कारनामे इसी प्रकार से चलते रहेंगे। इसके लिए किसी कागज के टुकड़े पर संगठन को बैन करना नहीं, बल्कि दिमाग के अंदर अपने दुश्मन की पहचान होना, शत्रु की पहचान होना अत्यंत आवश्यक है। और उसके लिए आपको थोड़ा स्वाध्याय करना पड़ेगा, और उसी के लिए हमने सनातन हाट के मार्ग खोले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे और आपकी आंखें खोलने में थोड़ी भी सक्षम लगती है तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको भी अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। मेरे संग बोले सत्य सनातन, वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।